दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दीप दर्शन पर स्वागत है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस जानकारी से अवगत हो जाए। दर्शकों, आप को मैं ये बता दूं, यह लोक कल्याण के लिए मैं बनाता हूं। हर इंसान कम से कम ना बहुत अमीर हो तो मध्यम क्लास का हो जाए, हर इंसान के घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी कामना से मैं इन उपायों को लेकर आता हूं। हमारा संकल्प है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए हमारा सहयोग करें, इन सब उपायों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक जन कल्याण का यह कार्य संभव हो सके। दर्शकों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आप और श्रम करके बढ़िया बढ़िया उपाय बताएं। आइए दर्शकों, दीपावली के इस अवसर पर लक्ष्मी जी को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण को कैसे अपने घर में अस्थायी वास करने के लिए निवेदन कर सकते हैं, इसी श्रेणी के लिए मैंने यह एक अजूब उपाय, अजूब टोटका लेकर आया हूं। दर्शकों, आपको ये टोटका, ये उपाय करना कैसे है यह मैं पहले बता दूं। यह दीपावली पूजन के साथ करनी है और इसके लिए जो सामग्री लगेगी वो आपको पीपल के 5 पत्ते, थोड़ी सी हल्दी और केसर के कुछ दाने और थोड़ा सा गंगा जल लगेगा। आइए दर्शकों, अब मैं विधि बताता हूं। देखिए दर्शकों, पीपल के पत्ते सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में ही तोड़ लाइएगा। 5 बढ़िया चिकने चुपड़े पत्ते पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल अर्पित करके नमस्कार कर पीपल देव से 5 पत्ते मांग कर चिकने चुपड़े 5 पत्ते ले लें। अब उसको आवास पर लेकर आए और गलती से भी रात्रि काल में पीपल के पत्ते नहीं तोड़े। दीपावली रात्रि पूजन है और दीपावली के दिन रात्रि पूजन के समय दौड़ कर नहीं जाए। पहले से 5 पीपल के पत्ते लाकर और बढ़िया से गंगाजल से स्नान कराकर उन पत्तों को पूजा की थाली में पहले से सजा कर रखें। अब दर्शकों, जब दीपावली पूजन का समय हो जाए, सभी सामग्रियां व्यवस्थित कर रहे हो, उसी वक्त मां लक्ष्मी के पूजन से पहले इन 5ों पत्तों को एक थाली में रखकर और आप उस पर केसर और हल्दी को मिश्रित करके गंगाजल थोड़ा सा डालकर स्याही बना लें और उस स्याही से इन 5ों पत्तों पर स्वास्तिक बनाएं। दर्शकों, स्वास्तिक सीधा होना चाहिए, टेढ़ा स्वास्तिक नहीं बनाएंगे, उल्टा नहीं बनाएंगे। इसलिए स्वास्तिक पहले किताब में देख लेंगे या गूगल पर डाउनलोड करके स्वास्तिक बनता कैसे है और वैसा स्वास्तिक बना लें, या पंडित जी, अगर कोई ब्राह्मण आपने बुलाया है लक्ष्मी पूजन के लिए तो वो ब्राह्मण देव स्वास्तिक बनाए। और स्वास्तिक बनाने के बाद लक्ष्मी गणेश के आगे आप कमलगट्टे के बीज रखकर उसके ऊपर इन 5 पीपल के पत्तों को स्थान दें और इन 5ों पीपल के पत्तों का पूजन लक्ष्मी गणेश के साथ लक्ष्मी नारायण मानकर आप पूजन करें। और पूजन के बाद आपको इन पत्तों को वही पूजा स्थल में ही छोड़ देना है। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर आप
थोड़ा सा लक्ष्मी पूजा भी, आज जो भी आपका दैनिक पूजा है प्रतिदिन का, दैनिक पूजा करने के बाद एक नए पीले कपड़े में उन पांचों पत्तों को लपेट कर आप धन रखने के स्थान पर रख दें। आप अगर व्यवसायी वर्ग के हैं तो आप अपने गले में भी रख सकते हैं, और अगर नौकरी पेशा के हैं तो जहां आप धन रखते हैं वहीं रखिएगा। व्यवसायी भी हैं, आप धन रखने के स्थान पर रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दर्शकों, यह घोर दरिद्रता से आपको मुक्ति दिलाने का अजूक टोटका दीपावली के दिन करें। आपको मैं बता दूं, इतना चमत्कारी और अद्भुत प्रयोग है जो मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, बस आप एक बार करके भूल जाए और आप एक वर्ष के अंदर आप इन पीपल के पत्तों पर किए हुए इस टोटके के उपाय को, के चमत्कार को आप एक वर्ष में महसूस इतना तीव्र गति से करेंगे कि फिर आप अगले दीपावली पर इन्हें बदलने के लिए सोचेंगे भी नहीं। तुरंत के तुरंत आप नया उपाय करके पुराने पत्तों को प्रवाहित करें और अगली दिवाली पे नया पत्ता आप रखें। दीपावली के दिन एक दिन आपको ये टोटका हर वर्ष करना है, और देखते ही देखते आप ऐश्वर्यशाली बन जाएंगे। घोर दरिद्रता से बाहर निकलकर आप की जिंदगी जीने लग जाएंगे, अच्छा खासा आपके पास धन दौलत टिकने लग जाएगा। व्यवसायियों को अगर घाटा लग रहा है तो घाटा रुककर मुनाफा होने लग जाएगा, नौकरी पेशा वाले को भी उन्नति मिलती है, प्रोन्नति मिलती है। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण की, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण की, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण।